खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। संसद से पास होने के बाद कृषि बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल चुकी है। बिल के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते पंजाब की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है, जिसके बाद कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध के लिए भगत सिंह की जयंती का दिन चुना है। कांग्रेस आज भगत सिंह के जन्म स्थान खटकर कला में कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पंजाब कैबिनेट के मंत्री और विधायक मौजूद हैं। हरीश रावत को हाल ही में पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है और वो दो दिन के दौरे पर पंजाब गए हुए थे। तो शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम अमरिंदर सिंह का ये धरना, कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं अमरिंदर सिंह। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत भी धरने पर मौजूद, और ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां हरीश रावत और अमरिंदर सिंह दोनों ही इस धरने में मौजूद हैं। आपको बता दें, कृषि बिल को लेकर तीन विधेयक पास हुए थे, जिसके बाद कल राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी है और अब ये विधेयक कानून में तब्दील हो गया है और कभी भी केंद्र सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। और इस बीच लगातार विधेयक से लेकर कानून बनने तक कांग्रेस, विपक्ष की और पार्टियां और किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज भी लगातार देश के कोने कोने में विपक्ष के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद वो दो दिन के दौरे पर भी थे, और इस बीच कृषि बिल को लेकर वो अमरिंदर सिंह के साथ मौजूद है। इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कृषि कानून को लेकर अब ये प्रदर्शन जारी है। तो कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं अमरिंदर सिंह, उनके साथ हरीश रावत मौजूद हैं। तो कांग्रेस पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं, आपको बता दें। तो आज भगत सिंह के जन्मस्थली पर ये पूरा प्रदर्शन उनके गांव में किया जा रहा है। आज उनका जन्म हुआ है और कांग्रेस ने ये दिन चुना प्रदर्शन के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है इस कानून को लेकर। तो शहीद भगत सिंह के गांव में इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका जनतंत्र टीवी पर स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से अब कृषि का जो बिल था वो कानून में, विधेयक जो था कानून में तब्दील हो गया है, तब भी कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था, अब जब कानून में तब्दील हो चुका है तब भी ये प्रदर्शन जारी है? ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा तब तक जब तक कि काला कानून सरकार वापस नहीं लेती है। अंग्रेजों की तरह इस सरकार ने लोकतांत्रिक भारत में किसानों के साथ अत्याचार करने का पूरा ठेका ले रखी है और पूंजीपतियों को मजदूर किसानों के जमीन पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष कब्जा करना चाहती है। माननीय भगत सिंह हम लोगों के युवाओं के देश के बहुत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके एक आदर्श थे किसान, खेतिहर मजदूर और भूमिहीन मजदूरों के लिए। निश्चित तौर पर उनके जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने एक नई रणनीति और नई दिशा देने के लिए, किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए आज ये आंदोलन शुरू किया है और इन तब तक चलेगा निरंतर ये संघर्ष का रास्ता। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस उठाती रहेगी जब तक कि किसानों को उसका सही वाजिब न्याय नहीं मिलता। सरकार सिर्फ निरंकुशता दिखा रही है, सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है, सरकार सिर्फ गरीबों को तबाह करना चाहती है और बड़े बड़े लोगों को मजबूत करना चाहती है। ये सत्ता के मांग में छोड़ रहे हैं सरकार और पूरी तरह से मोदी सरकार गरीब विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, दलित और महिला विरोधी हो गई है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।